हाय ब्रेंडा, हेलो ब्रेंडा। और आपको देखिए बच्चे दिखाए बिल्ली के। इनको अब ऐसे बोला करेंगे, आ गई महारानी। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द बॉन्ड बाई अंजलि गुप्ता पर। तो देखिए आपको रेडी दिख रहे हैं हम। तो हमारे घर में पूजा है दुर्गा माता की। तो जो नंद मेरी आई है ना, उनके बेटे के लिए उन्होंने माना था, तो उनके ससुराल में नहीं होती है, तो उन्होंने यही खाई थी, तो वो यही करेंगी। तो सब लोग आ गए हैं, तैयारियाँ भी हो चुकी हैं। अभी हमने आपको थोड़ी सी तैयारियाँ दिखाई। और ये है मोनी मैडम। मैडम जी कह रही हैं प्लीज वेट, मगर मेरे सब्सक्राइबर वेट नहीं करते, इतना फालतू टाइम नहीं है, हम चल के जाएंगे उनके पास। हाँ, अच्छी लग रही हूँ। हाय ब्रेंडा, हेलो ब्रेंडा। तो ये इनका लुक है और ये मेरा लुक है, ये लुक है और ये बुक है। तैयारी सारी हो चुकी, सारे लोग भी आ चुके हैं। आसान बीबी आप बोलो। आसान बीबी की पूजा हो रही है मेरे घर। और ये आंटी हमारी बैठी है, सब तैयारी आंटी ने करी है, हम लोगों ने सामान लगा दिया था बस। और ये हमारी भाभी आ चुकी है, इधर भी कुछ लोग बैठे हैं। फ्लैचे का लो, फ्लैचे का लो, फ्लैचे का लो। इसी से हमने अपनी आंखें खराब कर ली कर करके। चश्मा लग गया मेरे ऐसे कर करके। ए गोलू के बच्चे, ए गोलू के बच्चे, गोलू व्रत है, व्रत हो, कुछ खाया नहीं? कुछ खाया है? सीधे धुरिया जमाओगे। तो देखिए लैया चना और गुड़ है, दुर्गा माता की पूजा शुरू हो चुकी है। देखिए अभी कोचे में हम लोग ना लैया चना लेने वाले हैं, उसके बाद सारी पूजा करेंगे। तो देखिए इसमें ना अफसान बीबी की पूजा होती है, और कई बार हम आपके साथ दुर्गा माता की पूजा के वीडियो शेयर कर चुके हैं। तो देखिए मेरी ससुराल में ऐसा है कि शादी के बाद और बच्चे होने के बाद ये पूजा होती ही होती है। तो देखिए मोनी की ससुराल में ना रस्में एकदम अलग होती हैं, रीति रिवाज हमारे यहाँ से बिल्कुल मैच नहीं होते हैं। पर ये कि देखिए इन्होंने यहाँ ये पूजा खाई है, यानी कि जो मेरी नंद थी छोटी वाली, उनकी पूजा में ये बैठी थी और प्रेग्नेंट भी थी, तो इनको ये पूजा ना वापस से करनी है, तो मम्मी करवा रही हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे करीब 11 बजे का टाइम हो चुका है, बहुत लेट हो गए आने में। देखिए बिना खाए पिए ये पूजा होती है, और लाइट भी 2 से 3 बार गई, इसलिए भी लेट हुए हम लोग बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए लाइट जाने से ना काम आपके कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ हो जाते हैं, काम रुकता नहीं है, पर हाँ देखिए देर सवेर तो होती है। तो देखिए यहाँ पे ना अफसान मैया की कथा यानी कि कहानी और जो है आरती, दोनों ही चीज़ें हम लोगों ने मोबाइल से यानी कि यूट्यूब से लगा के सुनी और करी। तो देखिए आजकल बहुत आसान हो गया सब कुछ यूट्यूब की वजह से। तो यहाँ पे हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है पूरी, और देखिए यहाँ पे ना इसी को खा के अपना व्रत तोड़ते हैं, जो आपके कोछे में लैया चना गुड़ होता है। और देखिए किसी को भी अगर इस पूजा के बारे में पूछना है, तो जैसे मेरे यहाँ होती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। उसके बाद देखिए आप कुछ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाय नाश्ता हो रहा है, क्योंकि खाली पेट सारे लोग आते हैं, तो चाय नाश्ता करा दो भाई, आदत भी सुबह सुबह हम सबकी होती है। तो देखिए काफ़ी लोग तो ना मन्नत मांगते हैं, यानी कि माता रानी से मांगते हैं कि माता रानी मेरी ये मुराद मनोकामना पूरी करना, हम आपकी पूजा कराएंगे। तो देखिए काफ़ी लोग पूजा ऐसे भी कराते हैं। तो देखिए सारा इंतज़ाम हम लोगों ने ना पहले से ही लगा के रख दिया था, चाय नाश्ते का भी इंतज़ाम कर दिया था, चाय भी चढ़ा दी थी, और बाकी के काम ना नौमी देख रही है, छोटे मोटे काम जो बीच में होते हैं, क्योंकि देखिए पूजा के बीच से बिल्कुल उठा नहीं जाता। और अभी हम आशीर्वाद लेंगे सबसे और अपने बाकी के कामों में लग जाएंगे, जैसे कि खाना पीना और समेटना सब कुछ ना। ये देखिए ये बिल्ली का खाना है, जैसे हम लोग रख देते हैं। और आपको देखिए बच्चे दिखाए बिल्ली के।
तो खाने में सिर्फ मेरे यहाँ तहरी बनी है यानी कि नमकीन चावल, वो छोंक के हम सीधे ऊपर आ गए। सारे लोग देखिए तुरंत ही चले गए, सिर्फ मेरी जो जिठानी है वो घर पे हैं अभी, है ना। तो देखिए उनको हम बिल्ली के बच्चे दिखाने लाए, जो कि मेरा कबाड़ ग्रह है छत पे, हमने कभी आपको दिखाया नहीं। मेरे वाले घर में वहाँ पे बच्चे हैं बिल्ली के, तो वो खेलते हैं बाहर आके, पापा ना उनको खाने पीने को दे देते हैं। और देखिए कितना सारा पानी भर रखा है इसमें ना, तुलसी के बीच पड़े हुए हैं यानी कि मंजनी, और पानी बहुत ज़्यादा है। तो हमने कहा आपको फुलवारी भी दिखा दें। एक्चुअली देखिए सारी चीज़ें हम अपनी भाभी को दिखा रहे हैं, और ये देवर जी मेरे लगाते हैं, बहुत सेवा करते हैं। और देखिए ये शंकर जी का मंदिर कैसे बना रखा उनने पौधे के ऊपर, है ना। तो वो देखिए पौधे की ना बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। जो पौधे आपको मेरे यहाँ दिखेंगे और मेरे उस वाले घर में दिखेंगे ना, फ़र्क लगेगा आपको, क्योंकि ना वो बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं, पौधों की सेवा करते हैं। और काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं उनने। अभी तो देखिए आधे हो गए, हमें लग रहा है सूख गए, क्या हुआ फेंक दिए, पर ना पहले बहुत ज़्यादा थे। हम आपको पहले वीडियो में दिखा चुके हैं। और देखिए ये अचार था, पापा ने दोबारा से बनाया। एक बार तो देखिए हमने आपके साथ शेयर किया था, ये दोबारा वाला है। तो ये अभी देवर जी के कमरे में हम आ गए हैं, भाभी आई थी तो उनके साथ साथ हम भी आ गए। उसके बाद देखिए नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद हम वो वाले घर में समेटेंगे, क्योंकि वो वाला घर अब हमें फैला मिलेगा। कल क्या पिन्नी बासी वालों का ठेका ले रखा है, आ जाते हैं ये बासी वाले। बासी है ना ये, देखो सुन के देखो, बासी है ना, तभी तेरे को बासी वाले बोलता है। तैयारी हो गई पेपर की? अभी नहीं है, 8 तारीख को है। तो यहाँ पे वासु को अच्छी खासी डांट लगाई जा रही है मेरे द्वारा, क्योंकि देखिए बच्चे ना समझते ही नहीं है। इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, पर इसको ये नहीं है कि मम्मी देखो अपने काम में लगी है, ज़रूरी काम है, मना तो कर नहीं सकते हैं। हमें देखिए फैमिली और सब कुछ देख के चलना है ना। तो पर देखिए इतने बड़े तो हो चुके हो, तुम अपने आप पढ़ सकते हो। तो देखिए इसका एक लास्ट एग्ज़ाम बचा है, वो कि हिंदी का है, बस वो पढ़ने चला गया। और देखिए हमने सबसे खाना पूछा खिलाने के बाद, करीब करीब यहाँ पे 2 बजे का टाइम हो रहा है। इसके बाद देखिए लाइट चली गई थी मेरे यहाँ, जो कि लाइट सीधे शाम में आई है। तो लाइट आजकल बहुत जा रही है, हर वीडियो में आपको हम कहते मिलेंगे ये। लड़की ने पास्ता खराब कर दिया, आप कह रही आप देख लो, हमारे खाने में बढ़िया बना लो, टेस्ट कर लिया। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है रेसिपी सूट करने में, या तो दोपहर में जो बनता है हम वही सिर्फ सूट करें। तो दोपहर में देखिए हमेशा ऐसा नहीं बनता है जो हम सूट करके आपको दिखा सकें, यानी कि रेसिपी देखिए आपको अलग अलग नई नई चाहिए। और अभी हम ना बहुत अच्छी रेसिपी सूट करने वाले थे शाम को, इनको अब ऐसे बोला करेंगे आ गई महारानी, पर अभी हम कुछ नहीं सूट करेंगे क्योंकि रात का बहुत टाइम हो रहा है। पता है इस कमरे में आवाज़ें बहुत आती है, तो हमें यहाँ आना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, बहुत गर्मी हो रही है कई दिन से, और फिर से वही दोहराएंगे कि लाइट इतनी ज़्यादा जा रही है, हर एक एक घंटे में लाइट चली जाती है, जो कि 2-2 घंटे आज तो पूरी दोपहर लाइट नहीं आई, फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी, और जैसी लाइट आती है हम लोग चार्जिंग लगाने के लिए भागते हैं। और कल तो हमने ना अपने पड़ोस में, उनके यहाँ डबल फेस मतलब रहता है उनके घर में, तो उनके यहाँ से हम लोगों ने फ़ोन में चार्जिंग करी। तो वीडियो का एंड करेंगे क्योंकि हालत ख़राब हो रखी है। अभी थोड़ी सी मार्केट करने गए थे, अभी हम लोग मार्केट गए थे मोनी के साथ, हम सिर्फ प्लेगिंग लेके आए हैं और वो शॉपिंग करके भी आए हैं। तो 2.5 घंटे बाद हम लोग वापस आ रहे हैं, बहुत थक गए हैं और गर्मी एक्चुअली बहुत है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए और बहुत सारा पानी पीजिए, और कोशिश करिए घर पर रहने की, हमें मजबूरी में जाना पड़ रहा है। बहुत बार ये मना भी करते हैं, पता है कि इधर हम मना करते हैं कई दिन से, तो मोनी जा नहीं रही है क्योंकि ना उन्हें एक साथ में कोई चाहिए रहता है। तो वीडियो का एंड करेंगे और बोलेंगे बाय बाय, नमस्कार, ध्यान रखिए अपना, प्लीज़ मेरे वीडियो देखिए और सपोर्ट करिए हमें, ठीक है, ध्यान रखिए अपना।